सेब कैसे दिए भैया? 150 रुपया किलो है भैया। और तरबूज? ये 70 रुपया का है। और ये आम इस मौसम में? हाँ, खास आदमी खाते हैं। आप केला ले लो। क्यों, आम क्यों ना ले? आम का आप क्या करोगे भैया? अरे खाएंगे और क्या करेंगे। आम आदमी आम खाएगा। वाह भैया वाह। क्यों, आम आदमी आम नहीं खा सकता का? अरे आम आदमी आम कहाँ खा पाता है भैया। आम आदमी तो खुद ही चूसा जा रहा है आम की तरह। आम तो खास आदमी खाते हैं। अच्छा, तो जरा दो आम दो, हम भी थोड़ी देर के लिए खास होके देखते हैं। ठीक है भैया, हो जाओ खास। 50 रुपया दे दो। ये लो भैया, थैली में मत डालो। ये आम नहीं, खासियत है आम आदमी की, दिखनी चाहिए कि नहीं? हाँ भैया, ये लो, ऊपर की जेब में रख लो। जय राम जी की। जय राम जी की। राम राम चचा। काम कुंदी बाबू, कहाँ से आ रहे हैं? आम खरीदने गए थे। आम आदमी इस मौसम में आम खा रहा है? भाई आम आदमी भी कभी कभी खास होना चाहता है। कभी कभी आम आदमी खास हो भी जाता है। कभी कभी आम आदमी खास नहीं भी हो पाता। यहाँ पे दिखता नहीं क्या बे? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इधर आ क्या बे? चोर किसको बोल रहा है बे? हम के मालूम कौन ही धर के अभी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कह रहे थे कि गलती आपकी थी, आप तेजी से हमारी तरफ बढ़े और हमसे भिड़ गए। अच्छा भिड़ गए, अबे भिड़ गए तो क्या करे? करे क्या, करेगा क्या बे? भैया जाने दीजिए, जाने दीजिए। आम आदमी है, इसका तो आम भी पिचक गया है। अबे आम क्या खुद पिचका हुआ है? चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए। स्टार्ट कर बे पप्पू। आम आदमी खास होने चला था, पिचक गया। कोई बात नहीं चचा, एक और बचा है हमारे पास। हमरा बहुत मन कर रहा था आम खाने का, लेकिन इस मौसम में आम कहाँ मिला? अरे अब मिल गए, खाओ और मौज करो। ये बात, हम तो इसे चूस के खाएंगे। पगला गई हो क्या? आम है, पहले सलीके से धोएंगे फिर प्यार से काट के खाएंगे। हाय दया, आम है, केक थोड़ी ना है जो काट के खाएंगे। हाय, केक से याद आया, कल तुम पैदा हुए थे ना? गलती होगी, दोबारा नहीं होएंगे। हे जी। ओ जी, दिमाग का दही काहे बना है? हाँ, और ये उजरी चमन की तरह लग रहे हो। हाँ, जा हाथ मुंह धो लो, हमने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। और आम? आम कल खाएंगे ना, कल तुम्हारा जन्मदिन जो है, कांच के केक की तरह खाएंगे। ये बात। बिल्कुल आराम से, टेंशन मत। अबे रो किड्डो। कहाँ है बिजी पांडे? सुबह सुबह कोई काम नहीं चले आए हैं? वही देखने आ रहे थे कि आप क्या कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, साफ नहीं कर पा रही हैं। कहाँ हुआ, कहाँ है गर्मा है? दिल देखे, दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता, दिल हार गया। मैंगो मैन, मैंगो मैन, मैंगो मैन, मैन, मैंगो मैन। ओह सुरीली, आई एम अ मैंगो मैन एंड यू आर अ मैंगो लेडी। आई पापा कसम, एक आम जेंटलमैन की एक आम गर्लफ्रेंड, इसलिए ये आम तुम्हारे नाम। लेकिन पापा कसम, इस आम को थोड़ा प्यार से खाना, एक आम आदमी की तरह निचोड़ के मत खाना। ओहो क्या है कह रही थी तू है? हो गया, हो गया, बोलना तो हो गया। चल भाग। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? अरे हाथ में क्या छुपा रही है तू? है बिजी, बिजी
हमारे साथ बकलोली मत करो, बता रहे पहले पूछो हमारे हाथ में का है। अरे हमें का पता तुम्हारे हाथ में का है, तुम्हें बता दो ना। हम का है बताया कि हमारे हाथ में बुसर्ट है। बुसर्ट? नहीं बुसर्ट नहीं है। हाँ नहीं है तो बोलो पहले। मैं हारा। मैं हारा। ये का है बुसर्ट। अरे वाह, इतना भी नहीं बूझ सके। कैसे लगे? एकदम तुम्हारी तरह लल्लन टाप। पहन के दिखाओ ना। हाँ ये बात। अब कैसी लग रही है? एकदम तुम्हारी तरह लल्लन टाप। तुमने तो एक आम आदमी को खास आदमी बना दिया इंदुमती। हाय दया, तुम्हें कोई आम आदमी समझे वो सबसे बड़ा गधा होगा। क्योंकि तुमसे कोई खास हो ही नहीं सकता। ए जी। ओ जी। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे। जाओ ना हनुमान जी के मंदिर जाओ और सिर झुका के आओ। हाँ। रुको। ए जी, ये आम है ना, जाके हनुमान जी के चरणों पे छुआ लाओ। बजरंगबली, आज आम आदमी का जन्मदिन है, इस आम को केक समझो और हमें हैप्पी बर्थडे बोल दो। थैंक यू। अब हम इस केक को रख लेते हैं, सबको खिला देते हैं। काम कुंदी बाबू, आज तो आप बिल्कुल चमक रहे हैं। आम आदमी आज बहुत खास लग रहा है। आज हमारा जन्मदिन है कछुआ चाचा। अब जन्मदिन तो सबका होता है, लेकिन आप तो ऐसे ही प्रकट हो गए ना। हाँ, कभी कभी कुछ लोग प्रकट भी हो जाते हैं। अच्छा, ये नई शर्ट हमें कैसी लग रही है? हाँ, हाँ। देखो, कसम बता रहे हैं, एकदम बिना स्टैंप वाले एनवेलप की तरह, वो भी एकदम कोरे। पीक मार दी। अरे सॉरी, तुम्हारे ऊपर पड़ गई यार। आप देख के नहीं थूक सकते थे क्या? अबे हम तो अंधे हैं, तुम्हारी तो बंटा जैसी आंखें हैं ना, तुमको तो दिख रहा ना पीक तुम्हारे तरफ आ रही है, तो तुम थोड़ा सा इधर उधर नहीं हो सकते थे? यहाँ तुमको बिड़ने बहुत शौक है क्या? मैं देखिए, गलती आपकी है। हाँ है तो? तो क्या, तो माफी मांगनी पड़ेगी आपको, वरना नहीं मांगी तो? अरे तो हम माफी मांग लेंगे। चलिए मुकुंदी बाबू, चलिए, इन्होंने आपको माफ कर दिया, चलिए आइए। रहो काजस रहो, नहीं माफी मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अंदर आवे। ठीक, बहुत डाटा उड़ रहा बात कर। छोड़िए भैया, सॉरी भैया, छोड़िए, आम आदमी है, आम आदमी से कहाँ भिड़ते हैं, चलिए आइए आइए। ये नेता अपने आप को समझता क्या? आम आदमी को कुछ भी नहीं समझते ये लोग। तो आम आदमी अपने आप को कहाँ कुछ समझता है जो ये समझेगा? अगर आम आदमी चाहता है कि उसे कुछ खास समझा जाए, तो सबसे पहले उसे खुद को खास समझना पड़ेगा। अरे क्या खुद को खास समझना पड़ेगा, आम आदमी को आम की तरह चूस के गुठली बना के फेंक देते हैं। आप कभी गुठली काम आई है? गुठली अगर हलक में फंस जाए तो जान ले लेती है, और गुठली अगर जमीन पर गिर जाए तो जम के पेड़ बन जाता है। अब आप चाहें तो पेड़ बन के इन जैसे लोगों को साया दीजिए, नहीं तो हलक में फंस के इनकी जान ले लीजिए। छोड़िए ना। चलो भाई, जरा जल्दी हाथ चला, ऐसे करेगा तो सुबह हो जाएगी। जल्दी कर, जल्दी आगे खड़े रहोगे? थोड़ा और कर, चल। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं हमारे घर साहब करके सामने? गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। ये रहा डंडा, ये रही पिचुक, और तुम गिल्ली लगाए क्या? लेकिन भाई साहब, आप तो हमारे घर के सामने बल्ली गाड़ के टेंट लगा रहे हैं। अबे यहाँ आवे, तुम यहाँ आओ, इधर आवे, यहाँ आओ, तुम काय इधर आओ, इधर आओ।
तुम आजकल बहुत उड़ रहा हो है? अबे जब तुमको मालूम है कि तंबू गड़ रहा है तो पूछ का है रो बे? भैया जी को एमएलए का टिकट मिला है, हम सब चमचा लोग उनका स्वागत समारोह कर रहे हैं कल सुबह। लेकिन हमारे ही घर के सामने बल्ली गाड़ के टेंट काहे लगा रहे हैं? तुम्हारे घर के सामने गाड़ रहे हैं और नहीं कहो वो गेट बंद हो जाएगा तो फिर निकलेंगे कैसे? और अगर हम ये कहें कि हमारे तंबू के सामने तुमने अपना घर गाड़ रखा है तो? देखिए भाई साहब ये बहुत गलत बात है, हमारे ही घर का गेट है। तुम्हारा गेट ना हो गया इंडिया गेट हो गया? अबे अपना घर उखाड़ के कहीं और जाके ले जा करके वहां पे गाड़ो जाके। यहाँ पे तुम यहाँ जाओ, तमीज से बात करो, हाँ के मारो तुम्हारे को निछर करो, समझे? जाने दीजिए भैया, अरे आम आदमी है वैसे ही चूसा हुआ है, जाने चल बे, चल। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, चल चल। अबे इसको ले जाओ गेट के अंदर, हम मूड ना खराब करो अभी भैया, घर के तौलेंगे अभी तुमको। तुम संभाल रहे भैया, आराम करो, बहुत गलत बात, गाड़ बे चल। तो बहुत ही गलत बात, सो जा जाके सो जा। ए जी नाश्ता तो करते जाइए, अभी देर हो रही है, दफ्तर में कुछ खा लेंगे। जी का भैया, ये भगवान जी का हो गया? आज आम आदमी चोरों की तरह दीवार फान के जा रहा है। अरे अब क्या बताएं कछुआ चाचा, हाँ आम आदमी के तो सारे रास्ते खास आदमियों ने बंद कर लिए हैं, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। निकालते हैं, कुछ आम आदमी लोग अपना रास्ता खुद ही निकाल लेते हैं। आपने कभी निकाला है क्या? अब कुछ लोग नहीं भी निकाल पाते हैं क्योंकि वो तो खुद रास्ते पे होते हैं। अच्छा आपके चक्कर में तो लेट हो जाएंगे। अरे आम आदमी के सारे रास्ते बंद है मुकुंदी बाबू, जाइएगा कहाँ? पीछे 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 हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, नेताजी आ रहे हैं, पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, चलो पीछे पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। बस थोड़ी हिम्मत रखो। अरे हवलदार साहब हमें तो छोड़ दो, हमारी पत्नी दर्द से चिल्ला रही है। भैया भीड़ काहे लगी है? अरे भैया हमारी बीवी प्रेग्नेंट है। अच्छा अच्छा, इसीलिए भीड़ लगा रखी है? नहीं नहीं, हम बता रहे हैं हमारी बीवी को बच्चा होने वाला है और ये लोग रास्ता रोक रखे हैं। पर रास्ता क्यों रोके हैं ये लोग? अरे कहते हैं वीआईपी मूवमेंट है भैया। वीआईपी मूवमेंट का होता है? जब कोई खास आदमी सड़क पे जाता है ना तो आम आदमी का रास्ता रोक दिया जाता है। लेकिन चाचा सड़क तो आम और खास दोनों के लिए बनी है ना भाई, इसीलिए तो जब खास आदमी सड़क पे चलता है ना तो कहते हैं वाक ले रहा है, और जब आम आदमी चलता है तो कहते हैं सड़क छाप जा रहा है। क्या बात कही है चाचा, चलो हमें तो देर हो रही है, हम तो जाइए ना, निकलिए, देखिए जा पाइएगा तो आइए, रास्ता दीजिए। अरे हमें जाने दो भैया। कहे घुसे चले आ रहे हो बिना परमिशन? परमिशन क्या, हमको दफ्तर जाने में देर हो रही है भैया। देखो भैया ऐसा है कि दुर्घटना से देर भली है। दुर्घटना काहे होगी? देखो अब तुम जबरदस्ती इसमें घुसने की कोशिश करोगे तो हम दो लाठी जड़ देंगे, है तो होगी ना दुर्घटना, है ना? आप हम इस तरह से नहीं रोक सकते, ये रास्ता आम है। हाँ, ये यहाँ पे आम मिलते हैं क्या? है? आम के पेड़ लगे यहाँ पे, लोग आम खा रहे हैं, है? तो ये आम रास्ता कैसे हुआ? क्योंकि ये रास्ता आम आदमी का रास्ता है। पागल हो गए क्या? इस देश में आम आदमी रास्ते बनाता है, उसके लिए रास्ते बनते नहीं है, समझे? चलो साइड में खड़ो, साइड में खड़ो, क्या बात कर रहे हो? नेताजी की सवारी आ रही है तो? अरे हवलदार साहब हमें तो छोड़ दो, हमारी बीवी माँ बनने वाली है। अरे माँ तो हर बीवी बन जाती है। क्या बकलोली कर रहे हो, शादी किए हो का? कहाँ जा रही हो? दिख नहीं रहा है, पानी भरने जा रहे हैं। अरे तो जाओ ना, कोई जाने देगा टप ना? ओहो जाओ, खा लिए हो सुबह सुबह, कुछ बातें करते हो? अरे भाई को रास्ता खुलाओ, खुलवाते हैं, पीछे पीछे।
पीछे नहीं, आगे आगे बोला ना, पीछे चलो, पीछे पीछे। पानी भरना है भैया। किसमें? इस मटकी में। हाँ। किस मटकी में? मेरा मटका फोड़ दिया। नस पीटे, कलम जले। नेता जी की तुम्हारी आ रही है, चलो पीछे। तुम्हारी तुम्हारी आ रही है। अबे गुड्डू साइकिल पकड़ो जरा। काहे रुको? आप अंदर नहीं जा सकते। काहे नहीं जा सकते? पापा कसम केस कर देंगे तुम्हारे पास, हमको सुरिलीस मिलने जाना। जाने दो, जाने दो भैया। नेताजी के जाने के बाद चलते हैं। अबे क्या नेताजी के जाने के बाद चलते हैं यार? नेता प्यार नेता नहीं मानता ना यार, हमको सुरिलीस मिलने जाना। पता नहीं कब आएंगे नेताजी यार। क्या अंदर जाना था? क्या नेताजी आ रहे हैं इसलिए रास्ता साफ रखा है, समझा? अरे पापा कसम 10 साल से हम ला कर रहे हैं, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि आम आदमी बाद में जाएगा और खास आदमी पहले जाएगा। बकवास बंद कर, यही मुर्गा बनाऊंगा तेरे को। मुर्गा नहीं बनना आता हमको, हमको जहाज बनना आता है। जहाज? ये जहाज कैसे बे? थोड़ा हटिंग बताएंगे ना। हाँ। ऐसे जो है थोड़ा पैर फैला लीजिए, थोड़ा और पैर फैलाइए ना थोड़ा। अरे कितना फैलाए, पैंट फट जाएगी। अरे ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। अब ये जो एक पैर है ना, आप ना हटाइएगा, हम हटाएंगे। ऐसा एक पैर कर लिया। हाँ। और ऐसे पैर के पास हाथ ऐसे चढ़ा लिए और ये ऐसे टेक ऑफ करने के लिए। अबे भाइयों और बहनों, ये ठेंगा पार्टी का ठेंगा आप सबका ठेंगा है। आज आम जनता को आम की तरह निचोड़ा जा रहा है। नेता आते हैं, वोट लेते हैं और इसके बाद जनता को गुठली के तरह निचोड़ के फेंक देते हैं। गुठली अगर हलक में फंस जाए तो जान ले लेती है, और गुठली अगर जमीन पर गिर जाए तो जम के पेड़ बन जाता है। लेकिन हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम देश को बापू के मार्ग पे ले जाना चाहते हैं। ये जूता लेके आगे क्यों बढ़ रहा है? अरे जैसे मंदिर में जाते हैं ना जूते उतार के, वैसे ही इज्जत दे रहे हैं ये लोग। अच्छा अच्छा। बापू ने कहा था कि हिंसा को छोड़ो और अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अगर किसी ने तुम्हारे एक गाल पे तमाचा मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, और कोई अगर दूसरे गाल पे मारे तो तीसरा गाल आगे कर दो। पूछो कैसे? तूने हमको मारा? हाँ मारा। तूने हमको मारा एक गाल पे आम इंसान, दूसरा गाल भी तो है ना। मेरे पास दो गाल से अब दोनों में मार दिया, हम किधर मारोगे? हमारे पास उसके लिए कई हाथ है, देखो मारो। एक मिनट बोल रहे हैं नेता जी, रुकिए, रुको, बोलो बोलो, बोलो, अरे जल्दी बोलो, पानी भरने जाना है, मेरी मटकी तोड़ दी तुम्हारे लोगों ने, चलो बोलो। बोलो, गांधी जी ने कहा था कि हिंसा अच्छी बात नहीं है। गांधी जी ने ये भी कहा था अन्याय सहना पाप है, अच्छी बात नहीं है, समझे? तो फिर आप लोग क्या करेंगे? ए मुकुंदी बता दे क्या करें। आम का एक मौसम होता है, आम आदमी का भी एक वक्त होता है। जब आमों का मौसम आता है तो कोयल बोलती है, और जब आम आदमी का वक्त आता है तो आंधियां आती हैं और अच्छी अच्छी सत्ताएं उखड़ जाती हैं। यही तो आम आदमी की खासियत है
कि एक ना एक दिन वो खास आदमियों को अपनी खासियत बता ही देता है।